Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss Unit 5, Complex Integration of Engineering Mathematics 2nd. Now, what is complex integration? Generally, we have studied about the normal integration fx, dx, x equals to a to x equals to b. यहाँ पर x हमारा real होता है. ये fx में जो x है वो real है और ये x भी real है. और ये लिमिट्स भी हमें रियल गिवन होती हैं. तो ये तो हमारा है नॉर्मल इंटीग्रेशन. पर जब बात आती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मतलब हमारा वेरिएबल रियल नहीं है, हमारा वेरिएबल कॉम्प्लेक्स है. तो इस तरह का इंटीग्रेशन जिसमें एफ एक्स की जगह एफ जेड, डी एक्स की जगह डी जेड और लिमिट जेड इक्वल्स टू ए टू जेड इक्वल्स टू बी, ये लिमिट्स भी कॉम्प्लेक्स है, ये फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स है एंड दिस जेड इन डी जेड इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स और ये लिमिट भी आपकी कॉम्प्लेक्स है. तो इस तरह के इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करने की बात आती है तब इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बोलते हैं. और इसका मेथड है सॉल्व करने का. इसमें जेड हमारा क्या होता है, जेड होता है एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, तो जब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dz इक्वल्स टू डी एक्स प्लस आई डी वाई. बेसिकली हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जब एफ जेड है हमारा, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड को हम एक्स प्लस आई वाई से रिप्लेस करते हैं और डी जेड को डी एक्स प्लस आई डी वाई से रिप्लेस करते हैं. दैट मीन्स हमारा ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप के इंटीग्रेशन में, एफ एक्स प्लस आई वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई. अब बात आती है इसमें, ये तो सिंगल इंटीग्रेशन है और यहां पर अंदर दो वेरिएबल है. अगर टू वेरिएबल है तो आपका डबल इंटीग्रेशन यूज होता है. तो इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सिंगल वेरिएबल में मतलब या तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो या फिर एक्स को वाई के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे. और जो भी लिमिट होंगी, अगर पूरे क्वेश्चन को एक्स में रिप्लेस करा है तो यहां पर लिखेंगे हम लिमिट ऑफ एक्स. क्लियर, ये इजी समझ में आएगा आपको एक एग्जांपल से. लेट अस कंसीडर एग्जांपल. इसमें हमें इवेल्युएट करना है दिस इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड. यहां पर ये हमारा एक फंक्शन है विच इज एफ जेड अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इक्वल्स टू 0 टू जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आई. तो पहले सबसे पहले बात करते हैं जेड इक्वल्स टू 0 टू जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आई, इसे कैसे ड्रॉ करेंगे. z इक्वल्स टू 0 का मतलब है x प्लस आई वाई 0 के इक्वल है. इसका मतलब x भी 0 और y भी 0. अगर आप कंपेयर करें 0 प्लस 0 आई होगा ये, दैट मीन्स x 0 y भी 0. यहां पर अगर देखें z को तो इस z को हम x प्लस आई वाई लिख सकते हैं. तो यहां पर हो गया x की वैल्यू 1 और y भी 1. इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम. दिस इज पॉइंट 0 0 एंड दिस इज पॉइंट 1 1. अब इसमें देखिए जब x भी 0 है तो y भी 0 है और इसमें x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है. दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज O एंड दिस इज OA. इसका मतलब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है अलोंग द लाइन OA. बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू x. y इक्वल्स टू x का मतलब है dy equals to dx. ठीक, 0 to 1 plus i, ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है. तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो जो हमें वैल्यू चाहिए. अब पहले देखते हैं कि इसमें अगर हमें क्वेश्चन को पूरा कन्वर्ट करना है x में तो जहां y है वो टर्म x में कन्वर्ट हो जाए. तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x. तो y की वैल्यू लिख ली हमने x. अब dz की जगह क्या रखेंगे, dz कैसे निकालेंगे. z क्या होता है हमारा, x प्लस आई वाई. तो dz क्या हुआ हमारा, dx प्लस आई डी वाई. dz इक्वल्स टू dx प्लस आई डी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से dx. इसका मतलब 1 प्लस आई dx. तो dz की वैल्यू हो गई 1 प्लस आई dx. यहां पर लिखते हैं x से x कैंसिल, ये बन गया आई एक्स स्क्वायर. डी जेड की जगह 1 प्लस आई डी एक्स, 1 प्लस आई डी एक्स.
आई वन प्लस आई, ये कॉमन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब हमने इंटीग्रेशन तो लगा दिया बट लिमिट नहीं पता, लिमिट चेक करते हैं एक्स की लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही है। यहां पर देखिए एक्स की लिमिट 0 से 1, यानी अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करने लगे तो ये पॉइंट होगा 1 0, तो एक्स कहां से कहां तक गया 0 से 1, तो यहां पर लिमिट हो गई एक्स की 0 टू 1, 0 टू 1, 0 टू 1, यहां पर भी 0 टू 1, दैट मीन्स आई 1 प्लस आई एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू 1, आई प्लस आई स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 बाय 3, इसकी वैल्यू हो गई आई माइनस 1 बाय 3, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू 2 प्लस आई मॉड z बार स्क्वायर dz अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2 एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम z इक्वल्स टू 2 टू z इक्वल्स टू 2 प्लस आई। यहां पर हमें क्वेश्चन में fz गिवन है, पिछली क्वेश्चन में हमें x और y की टर्म में गिवन था, बट यहां पर हमें गिवन है z बार स्क्वायर की टर्म, यानी z की टर्म में हमें गिवन है। तो हमें fz क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, fz क्या है, z बार स्क्वायर। इस z बार स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आई, आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इसमें दो पार्ट बनते हैं इस क्वेश्चन में, द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 0 का मतलब कोऑर्डिनेट हमारे 0 0, कार्टेशियन की बात करें यानी x और y, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, यहां z इक्वल्स टू 2 है इसका मतलब क्या है, x प्लस आई वाई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 0। अब बात आती है इस पॉइंट की, z इक्वल्स टू 2, अगेन z इक्वल्स टू 2 इज 2 0 और z इक्वल्स टू 2 प्लस आई, इसे कंपेयर करिए x प्लस आई वाई से, क्या पॉइंट्स आएंगे 2 1। अब ये जो पॉइंट्स बने हैं इन पॉइंट्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा इस इंटीग्रल को हमें किस अलोंग किस पाथ के अलोंग सॉल्व करना है। तो इसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले पॉइंट 0 0 हियर 2 0 और एक गिवन है आपको 2 1, इस पॉइंट को ओ ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्वेश्चन में बोला है हमें कि ओ से ए तक जाइए, देखिए द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 0 मतलब 0 0 से 2 0 तक, यानी पहले इस पाथ के अलोंग जाएंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम z इक्वल्स टू 2 टू z इक्वल्स टू 2 प्लस आई, लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, दैट मीन्स ये लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल है और 2 1 पॉइंट तक चली गई, दैट मीन्स फिर हमें क्या जाना है अलोंग पाथ ए बी। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है हमारा वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, सॉल्व करने के लिए z बार स्क्वायर dz विल बी इक्वल टू, जो हमें सॉल्व करेंगे इसे पहले हम OA पाथ के अलोंग सॉल्व करेंगे देन AB पाथ के अलोंग सॉल्व करेंगे। इसमें देख लेते हैं OA पाथ, यानी ये वाली जो लाइन है इस पर y 0 होगा, दैट मींस dy की वैल्यू क्या होगी 0, अभी सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाली लाइन हमारी x इक्वल्स टू 1 है, दैट मींस dx इक्वल्स टू 0, क्लियर ये वाला। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ओ ए पाथ के अलोंग सॉल्व करना है हमें इंटीग्रेशन को, गिवन इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आई, दिस इज डी जेड। अब जब हमारी बात आई है ओ ए पे, ओ ए में वाई जीरो था डी वाई जीरो था, तो जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आई वाई, और dz क्या होता है dx एक्स प्लस आई डी वाई, इसमें जब वैल्यू रखोगे आप तो dy तो जीरो है, तो dz की वैल्यू जहां जहां dz होगा अलोंग दिस पाथ OA हम क्या रखेंगे dz की वैल्यू dx रखेंगे। अब इसमें बताइए x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक,
तो इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 टू 2। पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 0 आई डी जेड इज डी एक्स। कंप्लीट इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, दैट मीन्स आपका हो गया x क्यूब अपॉन 3 0 टू 2। इसमें लिमिट रखी 2 टू द पावर 3 विल बी 8/3। अभी सिर्फ हमारा ये एक पार्ट निकला है, एक पार्ट OA के अलॉन्ग। हमारा क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट बताना है OA प्लस AB पाथ के थ्रू। अब नेक्स्ट में करते हैं AB पाथ के थ्रू। अब अगर इसमें देखें, इस पाथ के थ्रू इसमें x की वैल्यू 1 थी तो dx हमारा हो गया 0। इसमें देखिए z की वैल्यू x प्लस आई वाई, dz विल बी इक्वल टू dx प्लस आई dy, dz इक्वल्स टू dx, dx हमारा 0 है, 0 प्लस आई dy, यानी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सिर्फ y में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखिए इंटीग्रेशन, x की वैल्यू क्या है 2, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 y i। dz की वैल्यू क्या है i dy। अब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट क्या होगी y की 0 टू 1, तो y की लिमिट हो गई 0 टू y इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमारा y में कन्वर्ट हो गया है। अब सिंपल इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब 0 टू 1 4 माइनस y स्क्वायर माइनस 4 y आई आई डी वाई। इंटीग्रेशन 0 टू 1 4 आई माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस 4 y आई स्क्वायर विल बी माइनस 1, सो दिस इज प्लस आई डी वाई। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये इंटीग्रेट करके आएगा y क्यूब बाई 3 प्लस 4 y स्क्वायर बाई 2, यानी 2 y स्क्वायर बचा, लिमिट हो गई हमारी 0 टू 1। अपर लिमिट रखेंगे इसमें अब, तो ये बचा हमारा 4 आई माइनस 1 बाय 3 आई प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 11 बाय 3 आई। अब हमारा ये भी हो गया। अब हमने पीछे देखा था इसमें, इस वाले पार्ट में OA प्लस OB, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में हमें आंसर रखना है। पहला आंसर हमारा था 8 बाय 3 एंड दूसरा आंसर हमारा आया 2 प्लस 11 बाय 3 आई। सो द कंप्लीट इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 8 बाय 3 प्लस 2 प्लस 11 बाय 3 आई, दिस इज इक्वल टू 14 अपॉन 3 प्लस 11 बाय 3 आई। दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू 2 प्लस आई जेड बार स्क्वायर डी जेड, दिस इज योर आंसर, कंप्लीट आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बी, अलोंग द लाइन 2y इक्वल्स टू x, 2y इक्वल्स टू x हमारी ये लाइन होगी, क्योंकि ये 0 0 पॉइंट है, ये 2 1 पॉइंट है, तो ये लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन हम निकाल सकते हैं, 0 0 एक कोऑर्डिनेट है, 2 1 दूसरा कोऑर्डिनेट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारी लाइन हो गई 2y इक्वल्स टू x, 2y इक्वल्स टू x ये लाइन है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, अलोंग बी पार्ट है, अलोंग द लाइन 2y इक्वल्स टू x, 2y इक्वल्स टू x, y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से 1, तो लिमिट्स हो गई हमारे पास, लिमिट्स ऑफ y 0 टू 1। इससे हमारा क्या आया 2 dy वाई इक्वल्स टू डी एक्स, और हमें पता है z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, तो dz हो गया dx एक्स प्लस आई डी वाई, डी एक्स की जगह 2 dy रख देते हैं, 2 प्लस आई डी वाई, यानी जहां जहां हमारा dz है वहां पे क्या रख दें 2 प्लस आई डी वाई। अब इंटीग्रेशन हमारा था ये इंटीग्रेशन, सो इसे लिखते हैं 0 टू 2 प्लस आई
z bar square dz equals to 0 to 2 plus I x square minus y square minus 2xy I dz. क्वेश्चन हम कन्वर्ट कर रहे हैं y में, तो y की लिमिट है 0 टू 1. x की जगह क्या रखना है हमें 2y, यानी x स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर. y स्क्वायर एज इट इज, x की जगह रखना है 2y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4i y स्क्वायर. और इस dz की जगह क्या रखना है 2 प्लस आई dy. अब इसमें से कुछ कॉमन पार्ट ले लेते हैं, जो भी हमारा कॉमन है इसमें. 2 प्लस आई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू 1, 4y स्क्वायर इज 3y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4i y स्क्वायर dy. इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 3 माइनस 4i, सो वी विल हैव 0 टू 1 y स्क्वायर dy. 2 प्लस i 3 माइनस 4i, दिस विल बी y क्यूब अपॉन 3, इसकी वैल्यू 0 टू 1. 2 प्लस i 3 माइनस 4i बाय 3. जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल हैव 10 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3i. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इवेल्युएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन अलोंग दिस सी. दिस सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, दैट मींस कंटूर मॉड z dz, वेयर c इज द कंटूर. अब ये रीजन हमें क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट, द लेफ्ट हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 1. मॉड z इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर इसके हैं 0 0 फ्रॉम z इक्वल्स टू माइनस आई टू z इक्वल्स टू प्लस आई. सबसे पहले z इक्वल्स टू माइनस आई और z इक्वल्स टू आई को हम प्लॉट कर लेते हैं. z इक्वल्स टू आई मतलब आपका पॉइंट हुआ 0 1. z इक्वल्स टू माइनस आई इसका मतलब हुआ दिस इज 0 माइनस 1. लेफ्ट हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल, बात हो रही है लेफ्ट हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल, यानी माइनस वन से वन तक यहां पर भी ये सर्कल बन सकता है, माइनस वन से वन और माइनस वन से वन यहां पर भी एक सर्कल बन सकता है. तो इसका मतलब ये एक सर्कल बना है हमारा मॉड जेड इक्वल्स टू 1. ये एक यूनिट सर्कल है विद रेडियस 1, आर की वैल्यू इसमें 1 है. अब इसमें देखिए 0 माइनस 1 पॉइंट है, हमें कहां से कहां तक जाना है, इसे लेफ्ट हाफ सर्कल की बात करिए, तो यानी माइनस 1 से प्लस 1 तक हमें जाना है, इस पॉइंट से O से A पॉइंट पर जाना है. ठीक है, अब O से A पॉइंट तक जाने के लिए इसमें x और y नहीं, इसमें r और थीटा में कन्वर्ट होगा. इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन फॉर्म ऑफ r एंड थीटा, r और थीटा की फॉर्म में हमें सर्कल की इक्वेशन पता है, z इक्वल्स टू r e की पावर r i थीटा. मॉड z हो जाता है हमारा r e की पावर i थीटा का मॉड, दैट मींस e की पावर i थीटा की वैल्यू होती है 1, सो दिस इज मॉड r यानी r. ये मॉड z इक्वल्स टू r का मतलब हो गया सेंटर 0 0 है और रेडियस आपकी इस वाले क्वेश्चन में गिवन है 1. तो इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या है सॉल्व करना है. अब सबसे पहले एंगल की बात आती है, हमें ये पता है ये एंगल कितना है 0 से पाई बाई 2, फिर उसके बाद ये कहां तक जाता है पाई तक, पाई बाई 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 यानी 270 एंगल, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ये एंगल बनता है हमारा. अब इस एंगल से इस एंगल की बात हो रही है, तो अगर थीटा की बात करें, यहां से थीटा वेरीज फ्रॉम 3 पाई बाई 2 टू कहां तक, पाई बाय 2, 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ये हमारा एंगल वेरी कर रहा है. अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमें, हमारे पास ये है इंटीग्रेशन अलोंग दिस कर्व मॉड z dz इक्वल्स टू. इस वाले में आप ये देखिए इस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1,
तो इसका मतलब z है हमारे पास e की पावर i थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dz विल बी इक्वल टू i e की पावर i थीटा d थीटा। जहां पर dz है हम लिख देंगे i e की पावर i थीटा d थीटा। मॉड z, मॉड z मतलब r, और r की वैल्यू क्या है हमारी 1। dz मतलब i e की पावर i थीटा, तो इसमें लिख दिया i e की पावर i थीटा d थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक वेरी करेगी, 3 पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो i मैंने कॉमन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आएगा थ्री पाई बाय टू टू पाई बाय टू। दिस विल बी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा थ्री पाई बाय टू टू पाई बाय टू। दिस इज कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू माइनस कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस आई साइन माइनस आई साइन थ्री पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू साइन पाई बाय टू यानी 90, इसकी वैल्यू 1 दैट मीन्स आई अगेन दिस इज 0 और आई साइन थ्री पाई बाय टू की वैल्यू होती है हमारी माइनस 1। तो हमारे पास ये हो गया आई माइनस माइनस प्लस प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 आई। This is our answer.